हेलो सीबीएसई स्टूडेंट, बोथ क्लास 10 और 12, कैसे हो आप सभी? सभी तो छोटी सी वीडियो होगी, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात कर रहे होंगे। तो पहली बात तो ये कि आप लोगों का रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है किस दिन आएगा, कब तक आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा बोथ क्लास 10 और 12। दूसरी बात ये कि क्या रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी आप लोगों का एडमिशन लेने को लेकर, 10th क्लास वाले स्टूडेंट जो है वो क्लास 11 पर एडमिशन लेंगे तो क्या उनको रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी और रिजल्ट के बाद ही एडमिशन होगा या क्या उससे पहले भी हो सकता है, और अगर हाँ तो किस तरीके से होगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बच्चों की आप सभी का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सीबीएसई बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस बार रिजल्ट में डिले हो। क्यों? क्योंकि सीबीएसई चाहती है कि सारी चीजें जो है वो अपने टाइम पे आ जाए, ट्रैक पे चलने लग जाए। ठीक है, इसके लिए सीबीएसई ने क्या किया, तो सीबीएसई ने आप लोगों के पेपर चेकिंग के स्पीड को डबल कर दिया है। ठीक है, पहले क्या था, तो पहले एक टीचर एक दिन में 22 पेपर चेक करते थे, बट अब जो है वो एक टीचर एक दिन में 35 पेपर चेक करेंगे। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि टीचर के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा तो फिर हो सकता है टीचर कोई मिस्टेक कर दे, तो बच्चों ऐसा नहीं है। पेपर इस बार जो है वो एक साल के मुकाबले छोटा पेपर तो भी तो है, सिर्फ टर्म टू का ही पेपर है। ठीक है, तो ऐसा भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। तो पेपर के चेकिंग के स्पीड को बढ़ा दिया गया है, सो आप लोगों का जो है हो सकता है कि आप लोगों के बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर चेक भी हो गया हो। ठीक है, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो माना जा रहा है कि आइदर जून के लास्ट वीक में आ जाएगा या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में 100% आ जाएगा। ठीक है, सो आप लोग मान के चलो कि आप लोगों के पास जो है 30th जून तक आप लोगों के पास रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्लास 10 का रिजल्ट आएगा, उसके 4 to 5 days के बाद जाकर क्लास 12 का रिजल्ट आएगा। ये समझ में आ गया है। एडमिशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि क्या आप लोग के रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी एडमिशन के लिए, तो बच्चों ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने चाहे डिले हो, इसके लिए सीबीएसई ने कहा है कि अगर आप लोग किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग जो अपने प्री बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस पे भी एडमिशन ले लोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अपने ही स्कूल में अगर बात किया जाए तो अपने स्कूल में आप लोग सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, बाकी कैसा ये न्यूज लगा सुन करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, यू टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।